मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया था ना कि काम के लिए समय चाहिए, तो फिर तुमने क्लाइंट को यहाँ क्यों बुलाया? देखो क्लाइंट से मिलना है तो जाके किसी कैफे में मिलो। ठीक है, ये देखो 2 बजे तक मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। जब तक काम खत्म नहीं होगा यहाँ ऑफिस में कोई नहीं आएगा, समझे नंदो? मिस्टर हर्षद अग्रवाल। मिस्टर मेहता आइए आइए, प्लीज प्लीज आइए, बैठिए। एक मिनट मिस्टर अग्रवाल, आपने मुझसे ये कहा था कि आप इस ऑफिस के मालिक हैं। हाँ। लेकिन मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आपने किसी प्राइवेट ऑफिस में किराए से जगह लेकर के काम शुरू किया है। ऐसी बात नहीं है मिस्टर अग्रवाल, लग तो यही रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये अंकल कौन है? मैं इनका अकाउंटेंट हूँ। हाँ। ओह, आप अकाउंटेंट है? आप मुझे मूर्ख समझते हैं अंकल जी। आप अगर अकाउंटेंट है तो कोई अकाउंटेंट अपने बॉस को इस तरीके से डांटता है? आप दोनों मिलके मुझे बेवकूफ बना रहे हो। नहीं मेहता साहब, मेरी बात सुनो, ऐसी बात नहीं है। इनफ मिस्टर अग्रवाल, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। आप इस अंकल के ऑफिस में किराए की स्पेस लेके ऑपरेट कर रहे हैं और ऐसे टेबल स्पेस ब्रोकर के भरोसे पे मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। गुड बाय मिस्टर अग्रवाल। सुनिए, आप गलत समझ रहे मिस्टर मेहता। सुनिए ना, वो बिल्डिंग में नीचे मेरे नाम का नेम प्लेट भी है। सर वो नेम प्लेट काका ने निकलवा दी। क्या इसे रिपेयरिंग का काम चल रहा है ना, धूल जम गई थी नेम प्लेट के ऊपर, तो मैंने उसे साफ करने के लिए भिजवा दी। क्या बोलूं मैं आपको काका? थैंक यू। 5 करोड़ का क्लाइंट चला गया और आप चाहते कि मैं आपको थैंक यू बोलूं? नहीं, वो इसलिए हर्षद कि तुम्हारा ये क्लाइंट मुझे समझ में नहीं आया। डोंट माइंड, जो ब्रोकर की काबिलियत के बदले वो उसकी ऑफिस देखकर धंधा करता है, तो मुझे उस पर भरोसा नहीं है ना, इसलिए जो। अरे काका, वो पैसे मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए आया था, हमारे से पैसे लेने के लिए नहीं आया था वो। काका आप प्लीज कल से आप ऑफिस मत आइए। मुझे अकाउंटेंट है ना 19-20 चलेगा, लेकिन आपके जैसा मुंहफट आदमी वो मुझे नहीं चाहिए। मुंहफट? मैंने ऐसा क्या कह दिया हर्षद? मुझे क्या मालूम था कि वो क्लाइंट चुपचाप आके दरवाजे पे खड़ा है। ये लगता है अगर मुझसे कुछ भूल हुई हो। आपसे नहीं काका, भूल मुझसे हुई है जो मैंने आपको मेरा अकाउंटेंट रखा। आप प्लीज कल से काम पे मत आइए, आपका जो भी हिसाब है ना मैं आपको दे दूँ। हाँ मेहता साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए ना मेरी बात सुनिए। नहीं, उससे मैं था ना तो ज्यादा भूल गया, और वो मेरे बेटे की तरह है। अब ना मैं भी कुछ ज्यादा ही भूल गया ना। ना क्लाइंट चला गया, उसका नुकसान तो हुआ उसे, इसलिए गुस्सा हो गया। देखना कल जब मैं नहीं आऊंगा ना तो मेरे घर पे आ जाएगा मुझे मनाने के लिए। चलिए काका चलिए। क्या हुआ? इतने जल्दी कैसे आ गया ऑफिस से? और मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया है? हाँ आरुषि, आज मेरा प्रॉक्सी कर लो ना प्लीज। मैं आती हूँ आधे घंटे में। हाँ मनोज, क्या बात है बताओ ना, मुझे निकलना भी है। विद्या, मेरे ऑफिस में इतना घटिया पॉलिटिक्स चल रहा है ना, और ऊपर से मेरा वो बॉस कहने को सिर्फ बिल्डर है, एक नंबर का कमीना इंसान है मालूम है। कुत्तों की तरह ट्रीट करता है अपने स्टाफ को। और मैंने बोला था ना कि मैं मैनेजर का जॉब करता हूं। वो कोई मैनेजर मैनेजर का जॉब नहीं करता हूं, मैं प्यून का काम करता हूं। अच्छा ठीक है ना, उसमें बुरा क्या है? ठीक है, काम तो काम होता है ना, और सैलरी भी अच्छी दे रहा है। तो देखो, किसी भी नए जॉब में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगता है मनोज, संभाल लो ना। कुछ नहीं संभाल सकता मैं विद्या, नहीं संभाल सकता मैं। आज तू उसने हद कर दी। मुझे कहता है कि प्यून का यूनिफॉर्म पहन के काम कर। मैं मनोज वागले वहां ऑफिस में प्यून का यूनिफॉर्म पहन के काम करेगा? मैंने भी उसको बोल दिया कि दूसरा आदमी ढूंढ ले, मेरे से ये काम नहीं होता। एक मिनट मनोज, तुम्हें पता भी है क्या बोल रहे हो तुम? वहाँ राजू की नौकरी नहीं है। मैंने भी मुश्किल से ये कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया है, और हमारे ऊपर काका काकू मंगेश इन सबकी जिम्मेदारी है मनोज। मंगेश की कॉलेज फीस है, काका काकू की मेडिसिन का खर्चा है, ये सब कैसे मैनेज हो रहा है तुम्हें पता भी है। तो अभी श्रीनिवास जॉब कर रहे हैं ना, वो उन दोनों का खर्चा उठाने की जरूरत नहीं है तुमको। और मैं कौन सा हमेशा की बात कर रहा हूँ विद्या, कुछ दिनों की बात है। अरे 2-4 महीने में मैं कोई अच्छा काम शुरू कर दूंगा ना, तब तक तो तुम संभाल सकती हो ना। वो वैनी नहीं संभाल रही है उधर राजू को। अरे तुम समझ नहीं रहे हो मनोज, बंधु की थोड़ी बहुत सेविंग्स भी है, और उसका काम अच्छा चल रहा है, वो मुझसे ज्यादा कमा लेती है। ये क्या किया तुमने मनोज? एक बार नौकरी छोड़ने से पहले मुझसे पूछते तो सही, बात तो करते। एक्चुअली वही करने के लिए बुलाया। नहीं घबराओ मत तुम, जॉब छोड़ी नहीं है मैंने अब। पर मैंने सोचा कि जैसे वंदना वानी राजू को संभाल रही है ना, वैसे तुम भी संभाल लोगी। लेकिन मैंने गलत सोचा था। ठीक है, तुम करो तुम्हारा जॉब, और मैं करता हूँ वो बिल्डर के यहाँ पे प्यून का यूनिफॉर्म पहन के उसकी नौकरी। मनोज सर, नहीं वो जरा फैमिली इमरजेंसी आ गई थी ना, इसलिए मैं अभी पहुंच ही रही हूँ क्लासेस। हाँ कितनी कसौटी ले रहा है तू भगवान, इतनी मजबूत नहीं हूं मैं। कल से यही हो रहा है ना, वो फोन उठा रहे हैं ना मैसेज का जवाब दे रहे हैं। सर मुझे तो लगता है उस हैरी ने इस बार भी हमसे बढ़िया डील दे दी है। मिस्टर दसानी, उन्हें हैरी का ऑफर तब तक मंजूर था जब मिस्टर वागले वहां पे जॉब करते। सच कहूं तो उन्हें P2P मैक्स से ज्यादा मिस्टर वागले के साथ बिजनेस करने में ज्यादा इंटरेस्ट था। आई नो, पर फिर वो राजेश सर का फोन क्यों नहीं उठा रहे? हाँ हमने तो सोचा था राजेश सर आज से ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे। अरे मैंने तो समोसा और कचौड़ी का ऑर्डर भी दे दिया था। बोलो दसानी जी, यहाँ इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से जा रही है और आपको समोसे और कचौड़ी की पड़ी है। ऑर्डर कैंसिल करो भाई। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनके ऑफिस जाकर इनसे पर्सनली बात करता हूँ। क्या मैम, शायद दसानी की बात सच हो, हैरी ने उन्हें अपने साथ बिजनेस करने के लिए मना लिया हो। राजेश सर आपने तो कहा था कि वो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे और आपके P2P ज्वाइन करने की शर्त पर हमारे साथ बिजनेस करने के लिए एक्साइटेड भी थे। वो सब ठीक है मार्फतिया जी, लेकिन आखिर में वो एक बिजनेसमैन है, you know? शायद उन्होंने ऐसा किया हो क्योंकि उन्हें हैरी से कोई अच्छी डील मिले, you never know। अगर हम हैरी की उस डील को मैच कर लें तो? उसके लिए भी तो उन्हें हमसे बात करनी चाहिए ना। वो फोन उठाए तो हमें कुछ समझ आए। मिस्टर वागले, मुझे ऐसा लगता है कि आज या कल में कोई पॉजिटिव न्यूज़ जरूर आएगी, तो तब तक आप P2P मैक्स ज्वाइन कर लीजिए। नहीं किया रहा। अनफॉर्चुनेटली बिना मिस्टर मेनोचा के बिजनेस के हम राजेश भाई को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि राजेश भाई बिना सैलरी या कम सैलरी में काम करें। वो मैं भी समझती हूँ नहीं, पर हमें कुछ ना कुछ तो मैनेज करना होगा ना। मिस्टर वागले, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहिए। नहीं मैम, नहीं मैम, अगर ऐसा होता तो फिर मैं जॉब क्यों छोड़ता। जब तक P2P मैक्स को कोई अच्छा बिजनेस ऑफर नहीं आता तब तक I'll wait and watch। समोसे कचौड़ा हाँ? समोसा और कचौड़ी का ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा ना, वो हलवाई का फोन है। ऑर्डर कैंसिल करके आता हूँ, ठीक है ना? आया हाँ मैम, अभी आया। वाहिनी, मैं ना आपको एक बात बताना भूल गई। वाहिनी में वो बात में बताना। आशा, घंटी बज रही, दरवाजा खोल, शायद राज आए होंगे। हाँ मम्मी। हाँ, ज्ञान बड़ा होता है या पैसा? ऑफ कोर्स ज्ञान बड़ा होता है अथर्वा। तो फिर लोग जैसे फ्री में ज्ञान बांटते हैं वैसे पैसे क्यों नहीं बांटते हैं? ये क्या फालतू सवाल कर रहे हो? हाँ, क्या चल रहा है दिमाग में? ये सोसाइटी का नोटिस है वंदना भाभी के लिए। वाहिनी, हाँ तिवारी आया है सोसाइटी की नोटिस लेकर। नोटिस? कैसा नोटिस? वंदना भाभी, वो मिसेस वालिया है ना, उन्होंने आपके खिलाफ कमेटी में कंप्लेंट की है कि आप अपने इस घर का इस्तेमाल कॉमर्शियल काम के लिए कर रही हैं, और इसीलिए जोशीपुरा साहब को ये नोटिस जारी करना पड़ा। अब वो बेचारे नहीं चाहते थे कि नोटिस जारी करें, लेकिन आपको तो पता है वालिया कमेटी मेंबर है, तो उसने बाकी सारे लोगों को आपके खिलाफ मिला लिया है, तो मजबूरी में जोशीपुरा साहब को ये नोटिस लेके मुझे भेजना पड़ा। डक्कू भाई कहाँ है? डक्कू भाई, ये क्या है? अरे डक्कू भाई, वो सब हटाइए, डायरी वायरी और मेरी तरफ देखकर बात कीजिए ना। ये आपने भेजा है? ओह माय गॉड। क्षमा क्षमा वन्ना भाभी, क्षमा। मैं आपसे नजरें कैसे मिलाऊं, इसलिए मैंने तिवारी को नोटिस लेकर भेज दिया, पर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ चला आया। वरना भाभी, एक सेक्रेटरी होने के नाते मैं मजबूर था, पर आप टेंशन मत लीजिए, एक एडवोकेट होने के नाते मैं आपके साथ हूँ। वरना भाभी, भले ही कमेटी वालों ने आपको नोटिस भेजा है, पर मैं पूरी कमेटी को कोर्ट में खड़ा कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। वरना भाभी, आपके साथ होने का क्या फायदा? हाँ, इस नोटिस में साफ साफ लिखा है कि मुझे इमीडिएटली कुकिंग ऑर्डर्स के लिए खाना बनाना बंद करना होगा। कल मेरा इतना बड़ा ऑर्डर जाना है, कैसे पहुंचाऊंगी मैं? बहनी, आप बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ, आपका ऑर्डर भी बनेगा और डीप और डिलीवरी भी होगा। हम भी देखते हैं ना क्या कर लेती है इनकी कैफ और कमेटी। हाँ, ये जितनी भी कमेटी में लोग हैं ना बहनी, इन सब के एक एक के राज को मैं जानती हूँ। अगर किसी ने भी हमारे काम में बाधा डालने की कोशिश की ना, तो हर एक के घर की बात न्यूज चैनल तक पहुंचा दूंगी मैं। आशा आशा, शांत हो जा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। डक्कू भाई, आप प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ, मैं किसी अच्छे लॉयर के बारे में पता करती हूँ जो ये सोसाइटी के बायलॉज को जानता हो अच्छे से। वरना भाभी, मैंने आपको कहा ना कि मैं आपके साथ हूँ। कहाँ साथ है? अगर आप साथ होते ना डक्कू भाई, तो पहले तो इस नोटिस पर साइन भी नहीं करते है कि नहीं भाई? हाँ, तो कहाँ साइन किया? देखो देखो वरना भाभी, पूरी कमेटी मुझ पर राशन पानी लेके चढ़ गई थी, इसलिए मुझे मजबूरी में ये नोटिस टाइप करना पड़ा, पर इस पे ना तो चेयरमैन हर्षद अग्रवाल के साइन है और ना ही मेरे क्योंकि सोनी टर्सन हिल सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशी बुरागी। और वन्ना भाभी ऐसा इसलिए ताकि आपको थोड़ा टाइम मिले, आप अपना कल का ऑर्डर पूरा कर लीजिए, तब तक इस नोटिस का जवाब कैसे देना है मैं इसकी स्टडी कर लेता हूँ। ओके थैंक यू डॉक्टर भाई। पर मम्मी अगर सच में ऐसा कोई सोसाइटी लॉ हुआ तो आज ना सही लेकिन कल आपको ऐसा नोटिस फिर से आ सकता है कि आप अपने फ्लैट में सब काम नहीं कर सकते। फिर चाहे धक्कू अंकल आपके फेवर में हो या ना हो उनको एज ए सेक्रेटरी इस पे साइन करना ही होगा। फिर हे भगवान वहाँ राज वापस जॉब ज्वाइन करेंगे या नहीं ये तो पता नहीं। ऊपर से अगर घर के किचन से मैं ऑर्डर मैनेज नहीं कर पाई तो क्या होगा, घर कैसे चलेगा। हर्षद ने पलटकर मुझे फोन तो किया ही नहीं, क्या सचमुच में उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया? ना ना ऐसा नहीं कर सकता वो, मैं तो उसके भले के लिए ही उसे डांट रहा था। क्या बात है तैयार नहीं हुए? ऑफिस नहीं जाना है? नहीं जाना है बस जा ही रहा हूँ। तबीयत ठीक है ना आपकी? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। कहीं कोई बात हुई है क्या? बात क्या होगी, कोई बात नहीं। क्या बात हुई? ये लीजिए चाय पीजिए। राजू के पापा मैंने आपसे कहा था कि ये नौकरी आप कीजिए, छोड़िए मत, क्योंकि घर में थोड़ी सी मदद हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखिए, आपके ना स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए बस। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। एक बात कहूं, ऐसा कहते हैं कि शादी के 50 साल बाद ना पति पत्नी का चेहरा एक जैसा लगने लगता है, उनके चेहरे की सिलवटे, उनकी आदतें, उनके हाव भाव सब एक जैसे लगने लगे। पता है क्यों? क्योंकि शादी के बाद 50 साल तक ना पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा पढ़ते हैं, इसलिए उनकी चेहरे की सिलवटे, हाव भाव, उनकी आदतें सब एक जैसे लगने लगते। लेकिन आपका चेहरा बता रहा है कि आप दुखी हैं, और आप ऐसे दुखी तब होते हैं जब आप अपमानित होते हैं। मैंने ही कहा था आपसे कि आप ये नौकरी मत छोड़िए। लेकिन और एक बात बताती हूँ, एक मिडिल क्लास इंसान के बैंक अकाउंट में पैसा कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके जीवन के बैंक अकाउंट में ना स्वाभिमान की सेविंग कम नहीं होनी चाहिए। एक पत्नी के लिए उसका सबसे कीमती गहना होता है पति का गुरूर, उसका स्वाभिमान। बस उस स्वाभिमान को मत बेचिए चाहे कुछ भी हो जाए। नो नो मैं वापस जा रहा हूँ। ज्योति भाभी मैंने रात से कहा है कि मैं सब मैनेज कर लूंगी, लेकिन अगर सोसाइटी नहीं मानी तो अगर सचमुच में मुझे किचन से ये खाने के ऑर्डर्स बनाना बंद करना पड़ा कैसे मैनेज होगा सब? वंदना भाभी शांत हो जाइए। हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, ये वालिया की बीवी है ना उसे ही सबसे ज्यादा तकलीफ है आपके घर पे काम करने से। मैं काम करती हूँ, ये मीटिंग से पहले ही वहाँ जाती हूँ वालिया के घर और उससे और उसकी बीवी से बात करती हूँ पर्सनली आपके बारे में। ज्योति भाभी वो वालिया और उसकी बीवी बीफ और बातों की नहीं गल्फ और लातों के भूत है, वो ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे पता है ना वालिया भाभी को गुस्सा इसलिए कि मैंने उसका काम छोड़ा है और वैनी के यहाँ मैं 24 घंटा काम कर रही हूँ, बस उसी का बदला ले रही है वैनी और कुछ नहीं। वैनी आप बोले ना तो मैं अपनी तरीके से ना उसका स्क्रू टाइट करके आप बस बोल दो। पहले प्लीज तुम शांत हो जाओ। हाँ मुझे बोल रही है शांत हो जाओ, लेकिन कल से आप इतनी चिंता में बैठे उसका क्या? वैनी मुझे सब पता है, एक किचन के बिजनेस के भरोसे तो आपने मेरा सारा काम छुड़वा के यहाँ फुल टाइम के लिए रखा, ऊपर से तो औरतों को रखा है हेल्प के लिए, यही सोच के ना वैनी कि आगे जाकर हमें और बड़े ऑर्डर मिलेंगे, हम जिंदगी की कुछ नई शुरुआत करेंगे, है कि नहीं? लेकिन नहीं, इस सोसाइटी की नोटिस की वजह से अगर सारा काम बंद पड़ गया तो हम सबका क्या होगा, इसी की चिंता है आपको, है ना वंदना बहन? सोसाइटी मीटिंग में जवाब देने के लिए तैयार है ना आप? क्या तैयार हूँ यामिनी भाभी, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि किचन में ऑर्डर का खाना बनाकर गलत क्या कर रही हूँ मैं। भगवान भी ना अलग अलग तरीके से एग्जाम ले रहे हैं मेरा। वंदना बहन, भगवान भले ही अलग अलग तरीके से आपकी एग्जाम ले रहा हो, लेकिन आपके भक्त ने पेपर ही लीक कर दिया है। मतलब दकू ने सारी रात जाकर सोसाइटी के सारे लॉस पढ़ लिए और आप आपके जवाब में क्या दलील पेश करेंगे उसके सारे पॉइंट्स भी बना लिए। देखिए, पढ़िए। वैसे एज ए सेक्रेटरी दकू ने कह सकता है कि ये सारे पॉइंट्स है, इसलिए मैं वंदना बहन को नोटिस नहीं भेज सकता, लेकिन फिर वो लोग समझेंगे कि हम अच्छे दोस्त हैं तो दकू फेवरिज्म कर रहा है, इसलिए उसने मुझे भेजा। अभी भी 1 घंटा बाकी है सोसाइटी मीटिंग में, तो आप रेस्टिंग रीड कर लीजिए। क्या? आराम से पढ़ लीजिए रेस्टिंग। हाँ हाँ हाँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.